आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी भी दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाता दोस्तों, लेकिन जो व्यक्ति दूसरों को नुकसान पहुंचाता है ना, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ता। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आपका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम आपके लिए कुंभ राशि के लिए बहुत बहुत विशेष है। आपने स्वयं थंबनेल में देख लिया होगा, कर्म फलदाता शनिदेव मार्गी से वक्री होने वाले हैं 30 जून में, और 14 नवंबर तक जो शनि है वो वक्री रहेंगे 137 दिनों के लिए, 137 डेज के लिए। अब ये शनि वक्री हो रहे हैं तो कुंभ राशि के जीवन में, कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या फलाफल लेकर आने वाले हैं, क्योंकि आपकी शनि की साढ़े साथी भी चल रही है और दूसरा चरण चल रहा है। आपकी राशि में ही, कुंभ राशि में ही शनि ट्रांजिट कर रहे हैं अभी वर्तमान में, अभी फिलहाल, और पूरे 30 साल बाद आए हैं कुंभ राशि में और फिर वक्री हो रहे हैं। आपकी ही राशि में शनि वक्री हो रहे हैं, ठीक है। तो आज हम बहुत डिटेल में जानेंगे, ना नेगेटिव बताऊंगा आपको ना पॉजिटिव बताऊंगा, बहुत डिटेल में समझाऊंगा आपको कि कैसे रहेंगे आपके 137 दिन शनि वक्री के, ठीक है। ये कार्यक्रम जन्म राशि चंद राशि पर आधारित है दोस्तों, और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नंबर सिर्फ चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। चलिए जानते हैं 137 दिन वक्री शनि के आपके लिए कैसे रहेंगे। सबसे पहले मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ कि शनि वक्री क्या होता है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या है ये वक्री। दोस्तों, ग्रहों की दो अवस्था होती है, एक होती है मार्गी और एक होती है वक्री। जब ग्रह मार्गी होता है तो अपनी सही गति के अनुसार गोचर करता है, परिक्रमा करता है सौरमंडल में, सूर्य की परिक्रमा करता है, राइट। और एक होता है वक्री, जब वो अपनी गति के अनुसार गोचर नहीं करता है, स्लो हो जाता है, सूर्य से एक अधिकतम दूरी बनाने पे स्लो हो जाता है, ऐसा प्रतीत होता है पृथ्वी से कि वो ग्रह उल्टा चल रहा है, लेकिन उल्टा नहीं होता वास्तव में, बस स्लो हो जाता है और एक भाव पहले का भी रिजल्ट देता है जहां पर वो होता है, ओके। जैसे आपकी राशि में, आपकी राशि है कुंभ, आपकी राशि में शनि अभी आपके फर्स्ट हाउस में ही ट्रांजिट कर रहे हैं, आपकी राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं, ठीक है। कुंभ राशि में शनि का गोचर चल रहा है, अब ये वक्री हो जाने के बाद आपको यहां का भी रिजल्ट देंगे, 12वें घर का भी फल देने लग जाएंगे वक्र हो जाने के बाद। अब क्या फल देंगे, ध्यान से समझना। शनि आपकी राशि में है, चंद्रमा के ऊपर है, शनि इज ए मैलिफिक प्लैनेट, चंद्रमा हमारे मन के कारक हैं, हमारे मन, हमारी सोच, हमारी भावना, हमारी कल्पना, जो भी हम सोच रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं, वो हमारे मन से, वो हमारा चंद्रमा है, राइट। अब ये शनि हो रहे हैं वक्री, वक्र हो रहे हैं चंद्रमा के ऊपर, हो रहे हैं वक्र, इसका मतलब दोस्तों सबसे पहले तो यह है कि एक चीज को ना, आपको एक चीज को लेकर आपको बैठे नहीं रहना, यानी कि एक चीज पर आपको जिद नहीं करनी है, स्टबर्न नहीं होना। पहले क्या था कि आप छोटी छोटी चीजों को सोच रहे थे, फिर आप इग्नोर कर रहे थे, सोच रहे थे फिर आप इग्नोर कर रहे थे, लेकिन अभी आपको एक चीज को लेकर बैठे नहीं रहना, उसको ओवर थिंकिंग नहीं करना है, ठीक है। एक चीज को लेकर बहुत ज्यादा आपको सीरियस नहीं हो जाना है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं हो जाना है, चाहे वो आपका रिलेशन हो, चाहे वो आपकी मैरिड लाइफ हो, चाहे आपकी दोस्ती हो, चाहे वो किसी कोई भी चीज हो, उस चीज को लेकर बहुत ज्यादा ना आपको टेंशन नहीं लेनी है, मतलब क्योंकि वक्र होंगे शनि, चंद्रमा पे वक्र होंगे तो पूरा प्रभाव चंद्रमा पे पड़ेगा वक्र शनि का, तो बस आप किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस ना हो जाएं, किसी चीज को लेकर आप बहुत ज्यादा ट्रस्ट ना कर लें, ब्लाइंड ट्रस्ट ना कर लें, फ्रैंक ना हो जाएं सामने वाले के साथ जल्दी में, ये थोड़ा सा आपको अवेयर रहना होगा, ठीक है। लेकिन इसके साथ एक चीज और है यहाँ पर, कि आइडियाज आपके मन में बहुत गजब के आएंगे, ऑकल्ट साइंस, ऑकल्ट नॉलेज, डीप नॉलेज, ये सारी चीजें आपके अंदर अच्छी देखी जाएंगी, बड़े चतुर चलाक रहेंगे आप। शनि आपको 12वें घर का भी रिजल्ट देंगे तो फॉरेन कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग, ये सारी चीजें आपके लिए अच्छी देखी जाएंगी, क्योंकि 12वें घर का भी रिजल्ट देंगे और 12वें घर में है मकर राशि, यहां पर आपकी जो है वो मकर राशि है, तो 12वें घर का रिजल्ट देंगे, इसका मतलब कि हॉस्पिटल में काम करते हैं तो भी अच्छा रहेगा आपके लिए, मेडिकल का काम करते हैं तो अच्छा रहेगा, यानी कि मेडिकल से रिलेटेड कुछ भी है, फार्मा कंपनी में है, आप खुद डॉक्टर हैं, 12वें घर से रिलेटेड अच्छा फल मिलेगा आपको। लेकिन हाँ, कभी कभी ये भी देखा जाएगा कि अगर आप किसी ट्रिप पर जा रहे हैं, किसी टूर पर जा रहे हैं, तो खर्चे सबसे ज्यादा आपके देखे जाएंगे, क्योंकि आप थोड़े से इमोशनली रहेंगे, अटैच रहेंगे, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी। अब 12वें घर का रिजल्ट है तो MNC कंपनी में अगर आप काम करते हैं तो आपके लिए बड़ा ही फायदेमंद है, MNC कंपनी में परिवर्तन हो सकता है, चेंजेस देखे जा सकते हैं आपको, ठीक है, ये आपके साथ में हो सकता है। या फिर अगर आप कोई लॉन्ग ट्रैवल के लिए जाना चाहते हैं, फॉरेन ट्रैवल पे जाना चाहते हैं, या कहीं दूर यात्रा करना चाहते हैं, तो ये शनि आपको यात्रा तो करवाएंगे, वैसे भी शनि की साढ़े साथी चल रही है और काफी टाइम से चल रही है, ठीक है। ये दूसरा चरण चल रहा है आपके शनि के साढ़े साथी का, 2020 में शनि के साढ़े साथी शुरू हुई थी आपकी, ठीक है। अभी तीसरा चरण शुरू होगा आपकी शनि के साढ़े साथी का मार्च 2025 से, ये दूसरा चल रहा है अभी। शनि की साढ़े साथी चंद्रमा पे चल रही है तो तनाव तो दे ही रही है आपको, शनि अगर आपकी कुंडली में बहुत अच्छे हैं तो फिर बात अलग है, लेकिन फिलहाल अभी
किसी ना किसी चीज को लेकर तनाव लेना, चाहे फिर वो करियर हो, चाहे फिर वो रिलेशन हो, चाहे फिर वो फैमिली हो, मतलब तनाव लेना बिना वजह की चीजों पर तनाव लेना इंसान को एक कहते हैं ना क्लियरिटी, क्लियर पिक्चर दिखाना, ये शनि का काम है साढ़े साथी में, क्योंकि 30 साल बाद शनि की साढ़े साथी आती है। अब ये आपको थकाती भी है, ये आपको भाग दौड़ भी करवाती है, एफर्ट्स भी डालने पड़ते हैं, स्ट्रगल भी करवाती है, चाहे अगर आप छोटे हैं, अगर आप छोटे हैं तो भी आपको ऐसा लगेगा कि आप भाग दौड़ तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी ना किसी चीज़ में आप थक रहे हैं, चाहे मेंटली थक रहे हैं, चाहे फिजिकली थक रहे हैं, लेकिन आप थक रहे हैं शनि की साढ़े साथी में, ये तो करवाना है। अगर शनि आपकी कुंडली में अगर बहुत अच्छे हैं, स्वर राशि के हैं, उच्च के हैं, तो फिर ये रंग से राजा भी बनाने वाले शनि देव ही होते हैं, ठीक है। अब शनि वक्री की दृष्टि आपके तीसरे घर पर पड़ेगी 137 दिनों के लिए, यहां पे पड़ेगी। तीसरे घर पे शनि वक्री की दृष्टि पड़ेगी, इसका मतलब आप सोचेंगे कि मैं किस तरीके से डिजिटली चीजों को बढ़ाऊं, ऑनलाइन चीजों को बढ़ाऊं, अपनी राइटिंग को अच्छा बनाऊं, अपने स्टडी फैक्टर को बहुत अच्छा बनाऊं, किस तरीके से मैं परिवर्तन लेकर आऊं, यानी कि ऑनलाइन चीजों में, चाहे वो कोई भी ऑनलाइन डिजिटल काम हो, आपका सोशली वर्क हो, आपका सोशली चीजें हो आपकी, या फिर समाज से जुड़कर काम हो, आस पड़ोस का कोई भी काम हो, आस पड़ोस में आपके घर के आसपास का कोई काम हो, उन चीजों में आप एक्टिव हो जाएंगे। चाहे आपके घर के पास में आप किसी भी चीज का काम कर रहे हैं, आप कोई गार्डनिंग कर रहे हैं, पौधे लगा रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं, या आस पड़ोस में कोई किसी से मिल रहे हैं, सोशली एक्टिव हो रहे हैं, डिजिटली एक्टिव हो रहे हैं, या आप देखेंगे शनि वक्री हो जाने के बाद। और छोटी छोटी यात्राओं का भी सुख आप ले सकते हैं, लेकिन वहां पे उस यात्राओं में किसी के साथ में बहस नहीं करनी आपको, छोटे छोटे आर्ग्यूमेंट देखे जा सकते हैं, छोटी छोटी यात्राओं में छोटे छोटे आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं आपके थोड़े बहुत, ये ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। अब एक चीज और कहूंगा आपसे, शनि वक्री की दृष्टि आपके 7th हाउस में और आपके 10th हाउस में भी पड़ेगी, ठीक है। एक तो यहां पर पड़ेगी आपके, ठीक है, और एक आपके यहां पे पड़ेगी शनि वक्री की दृष्टि 137 दिनों के लिए। सप्तम भाव में शनि वक्री की दृष्टि का पड़ने का मतलब है, सबसे पहले तो ये जब तक शनि वक्री है 137 दिन, रिश्ता बन सकता है, रिश्ता फाइनल हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपके चंद्रमा में शनि वक्री है तो आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि चंद्रमा हमारा मन है, मैंने जैसा कहा आपको, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बहुत ज्यादा नहीं सोचना है, आपको एक चीज को लेकर डाउट्स में नहीं आना है, शंका उत्पन्न नहीं करनी है, ठीक है। और यहां देखा जा सकता है कि नवंबर तक उससे पहले पहले रिश्ता आपका फाइनल हो सकता है, क्योंकि सप्तम भाव विवाह का होता है, ठीक है। और एक चीज मैं और देख रहा हूं कि गुरु भी आपके जो है केंद्र में है, और वो भी आपके भाग्य को और आपके 12वें घर को देख रहे हैं, तो रिश्ता हो सकता है। अब जिनका पहले से ही शादी हो रखी है, उनके लिए थोड़ा सा चिंता वाली बात यह है कि या तो आपके लाइफ पार्टनर के अंदर स्ट्रबन ज्यादा होगा, जिद्दी नेचर तो ज्यादा होगा, या फिर आपके अंदर ज्यादा होगा, और किसी एक के अंदर बहुत ज्यादा होने की वजह से थोड़ा बहुत अप डाउन देखा जा सकता है। पार्टनरशिप आप कर सकते हैं इस बीच में, पार्टनरशिप आप कर सकते हैं, लेकिन किसी पर ब्लाइंड ट्रस्ट मत कीजिएगा, ये ध्यान दीजिएगा। आप पब्लिक डीलिंग कर सकते हैं, डेली इनकम का लाभ उठा सकते हैं, लेकिन उसमें भी आप ध्यान रखना कि कोई गड़बड़ ना हो। एक होता है कि देखो ये क्या करवाते हैं, कि करवाते तो हैं, काम आप कर रहे हैं, आप डेली इनकम आपको होगी, पार्टनरशिप आप कर सकते हैं, लेकिन ये वक्री है, इसका मतलब कि वहां पर आपको थोड़ा ध्यान रखकर भी चलना होगा, क्योंकि यहां पर शनि वक्री की दृष्टि आपके करियर वाले हाउस में भी है, सूक्ष्म कर्म पे भी है और कर्म पर भी है, यानी कि कर्म प्रधान है, कर्म आपसे शनि यहां पे करवाने वाले हैं। ये बताया दोस्तों सब कुछ, क्या उपाय करने चाहिए आपको। शनि का बीज मंत्र करें आप, ओम प्राम प्रीम प्रोम शनिश्चराय नमः 108 बार, ओम नमः शिवाय का जाप करें रोज सुबह 108 बार, गायत्री मंत्र का जाप करो आप, ठीक है, डेली हनुमान चालीसा का पाठ करो, और उगते हुए सूर्य को आप अर्घ दीजिए। कैसे लगे आपको वीडियो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ में, धन्यवाद।